इन फेमस यूट्यूबर्स के चीप कॉपीज को देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। कैसे मैं और आप एक मिलियनेयर नहीं, बिलियनेयर नहीं, बल्कि एक मिलियनेयर हो। हैं, ये क्या होता है भाई, बताता हूँ। कैसे सोते समय अगर किसी ने आपको उठाकर आपका सपना तोड़ दिया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ऐसे इरेजर्स में दो कलर्स क्यों होते हैं और क्या ये ब्लू वाला पार्ट सच में पेन से लिखे को मिटा सकता है? वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, 30K का लाइक है, मैं आप गलते ही नहीं हो, लेकिन इस बार देखते हैं गलती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, क्या आप जानते हैं हम में से बहुत लोग मिलियनेयर हैं? सुनने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन मिलियनेयर का मतलब भी जान लो। एक शख्स जिसके पास एक मिलियन पाउंड या डॉलर होते हैं उसे मिलियनेयर कहते हैं, मतलब वो शख्स बहुत अमीर है। लेकिन एक मिलियनेयर भी होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे मिलियनेयर कहते हैं। तो अब समझे कि मैं मिलियनेयर क्यों बोल रहा था। नंबर 14, कोको कोला की ऐसी पैकेजिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसी पैकेजिंग इन्होंने क्रिसमस पर की थी। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ये बंदा एक साइड से कवर को हटा देता है और फिर दूसरे एंड से एक स्ट्रिप को खींचता है, जिससे पूरा कवर एक फ्लावर की बोतल की तरह चिपक जाता है, जिसके बाहर ये बोतल किसी प्रेजेंट से कम नहीं लगती। नंबर 13, क्या आप जानते हो जैसे आपके फोन में नोटिफिकेशन बंद करने का ऑप्शन होता है ना, वैसे ही आपके बॉडी में भी एक ऑप्शन होता है। असल में जब हम पेन किलर खाते हैं तो जहां भी हमें पेन हो रहा है वो पेन बंद नहीं हो जाता, बल्कि बस हमारे दिमाग तक सिग्नल जाना बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारे दिमाग को नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं पाता और ना ही कुछ फील होता है। नंबर 12, आपको गहरी नींद से उठाने पर आप केस कर सकती हो। क्या आप जानते हो इंडिया में एक ऐसा लॉ भी है जिसके हिसाब से अगर कोई आपको बेवजह नींद से उठा दिया तो आप उस पर केस कर सकती हो, क्योंकि राइट टू स्लीप को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट माना गया है जो आर्टिकल 21 में बताया गया है। नंबर 11, जितना तेज आपके नेल्स ग्रो होते हैं उतनी ही स्पीड से कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, मतलब एक इंसान के नेल्स 3.47 मिलीमीटर ग्रो होते हैं एक महीने में और अप्रोक्स इतना ही कॉन्टिनेंट भी मूव होता है। इसलिए आपने बहुत जगह सुना होगा कि ये लैंड वहाँ जाके मिलने वाली है या ये लैंड यहाँ खिसक रही है, जो कि सच में है, और ये लैंड आपके नेल्स के जितने स्पीड में मूव हो रही है। नंबर 10, भाई आपने भी बचपन में पीसी पे GTA गेम्स खेले होंगे तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। ये देखो कि कैसे एक पेज पर हम सारे चीट कोड्स लिखा करते थे, जिसके बाद हम पूरी सिटी में घूमते थे फिरते थे। लेकिन क्या आपको आज भी कोई चीट कोड याद है? कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो एक याद है और वो है सीवेज, इससे आप अपनी कार को पानी में भी चला सकते थे। नंबर 9, ये फैक्ट आप अपनी फैमिली के पास जाके ही सुनना, क्योंकि ये फैमिली कुछ ज्यादा ही सपोर्टिव निकली। महाराष्ट्र में रहने वाली एक लड़की के एग्जाम में सिर्फ 35% मार्क्स आते हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, जिसके बाद उस लड़के पर सरसों का तेल लगाकर लाठी ना बजा के उसके पेरेंट्स इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि कम से कम वो पास तो हुआ। नंबर 8, इस दुनिया में नाउरो नाम की एक जगह है जहाँ कहने को तो दुनिया में सबसे कम लोग जाते हैं, क्योंकि नाउरो दुनिया की सबसे ज्यादा फैटेस्ट और सिगरेट एडिक्टेड कंट्री है, जहाँ पर कोई जाना पसंद ही नहीं करता। आप यहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको लोग सिगरेट पीते या फिर अनहेल्दी खाना देखने को ही मिलेगा, और यहाँ के लोग भी इस बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। नंबर 7, आइंस्टाइन ने अपनी पूरी लाइफ थ्योरी देने और उन्हें प्रूव करने में निकाल दिया, और इसके लिए वो इतने ज्यादा पैशनेट थे कि मरने से कुछ घंटे पहले तक भी वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को प्रूव करने में लगे हुए थे। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के अकॉर्डिंग जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी ये आपस में जुड़ी हुई है, बस यही आइंस्टाइन प्रूव करना चाहते थे। और यहाँ आप इस फोटो को देख सकते हो, ये एग्जैक्टली तो पता नहीं कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। नंबर 6, इस कार को ध्यान से देखो, देखने में तो ये बहुत ही सिंपल कार लग रही है, लेकिन ये अपने टाइम से बहुत आगे की कार थी, क्योंकि ये कार इलेक्ट्रॉनिक कार थी जिसे 1949 में ही बनाया गया था, जो सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर तक जा सकती थी। सोचो 1949 में ऐसी कार इन्होंने बना दी थी, तो अब ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। नंबर 5, आखिर कैसे एक सिंपल रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है। मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप थोड़ा सा डांस करते हो ना, तो इससे आपकी बॉडी में बहुत सारी लाइफ चेंजिंग चीजें होती है। मजाक नहीं कर रहा मैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, मूड अच्छा रहता है और आप घर से बाहर की दुनिया में पॉजिटिविटी के साथ निकलते हो। नंबर 4, आप जो फार्ट्स कभी कभी सुनते हो ना, वो सबसे रेयरेस्ट फार्ट्स होते हैं। आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है, बताता हूँ। 99% ह्यूमन फार्ट्स में कोई स्मेल ही नहीं होती, लेकिन जो आप सुनते हो वो 1% जहानलेवा स्मेल होती है। असल में फार्ट में कोई अपनी स्मेल नहीं होती, बल्कि हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग आतंकी हमले कर पाते हैं। नंबर 3, ऐसे इल्यूजन भी बने होते हैं जो दिमाग और आंखों के साथ भसड़ कर देते हैं, जिससे दोनों ही समझ नहीं पाते कि ये सामने है क्या। ऐसे ही आप इस इमेज में देख सकते हो, जिसमें एक वाइफ ने उसकी कैट की फोटो क्लिक की हुई है, जो उन्होंने अपने हस्बैंड को सेंड की थी, लेकिन हस्बैंड ने वाइफ को रिटर्न में ये फोटो सेंड की, जो कि रॉकेट लॉन्च की एग्जैक्ट फोटो लग रही है।
ना मस्त भाई, आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट्स। सेवियर्स 112 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी 5 मंजिला बिल्डिंग को आराम से ढंग देंगी। लेकिन इस वीडियो में ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई, जिसमें ये क्लाउड के नीचे वाले पार्ट को टच कर रही है, जो देखने में बहुत ही ऑसम लग रहा है। एनिमल फैक्ट, ये वाले एनिमल नहीं बल्कि ये रियल वाले एनिमल बहुत लोगों की जान बचा सकता है, क्योंकि अगर आप ही एक डॉग ओनर हो तो वो आपको लगभग 13 किलोमीटर दूर से स्मेल करके आपको ढूंढ सकता है। ये चीज आपके खोने पर भी बहुत ज्यादा काम आती है, जिससे अगर आप कहीं बेहोश हो गए तो आपका डॉग आपको आराम से ढूंढ लेगा। नंबर 2, सोशल मीडिया की दुनिया में यूट्यूबर्स किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं, और कुछ यूट्यूबर जैसे भुवन बाम और मिस्टर बीस्ट तो बॉलीवुड स्टार से भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हो इन लोगों के बहुत सारी चीप कॉपीज मार्केट में घूम रहे हैं, जैसे बिग बॉस रनर अप फुकरा इंसान को सब जानते हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि मिस्टर बीस्ट की वीडियो ये कॉपी करते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मिस्टर बीस्ट की कॉपी नहीं करते बल्कि प्रेस्टन नाम के एक यूट्यूबर हैं, और लोगों का कहना है कि ये 100 डोज वाली वीडियो इन्होंने कॉपी किया है। लेकिन सिर्फ टॉपिक कॉपी करने से ऐसे ही किसी की मेहनत को बेकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह की वीडियो फुकरा इंसान बनाते हैं उसमें बहुत सारा पैसे, मेहनत और टाइम लगता है। इसी तरह ब्रेंट रिवेरा नाम के एक यूट्यूबर हैं, जिनके चैनल पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनकी वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये बंदा तो इतना फेमस कैसे है। फिर मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि ये भाई साहब तो पहले से ही फेमस वीडियोस को अपने चैनल पर छाप रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो के आप थंबनेल को देख सकते हो। और अब सेम टॉपिक से ड्रू डज नाम के बंदे ने बहुत पहले ये वीडियो सेम थंबनेल के साथ अपलोड की हुई है, और ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जो इस बंदे ने कॉपी की हैं। नेक्स्ट जॉन, ये बंदा तो पूरे यूट्यूब के लिए क्लोनिंग मशीन से कम नहीं है, क्योंकि इस बंदे के इतने सारे वीडियो सिमिलर है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे, और उससे ज्यादा हैरान होगे इसके सब्सक्राइबर्स को जानकर, जो है 32 मिलियन। ये बंदा मिस्टर बीस्ट के साथ साथ एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर बेन एलजेड को बड़े आराम के साथ कॉपी कर रहा है, वो भी सेम थंबनेल और टाइटल्स के साथ। जैसे ये वीडियो में एक्सट्रीम कैमोफ्लाज दोनों चैनल्स पर आपको सेम नेम और थंबनेल के साथ मिल जाएगी। चलो मान लेते हैं ये वीडियो कॉपी नहीं है, दोनों सेम टाइम पर टॉयलेट गए होंगे और सेम टाइम पर आईडिया आया होगा। लेकिन एक मिनट, ये क्या फेसिंग 1000 फियर्स इन 24 आवर्स? जोंग भैया ने तो इससे भी एग्जैक्ट कॉपी कर रखा है, बस इन्हें डर थोड़ा ज्यादा लगता है तो फियर्स को 1000 से 100 कर दिया। जैसे कि आप सब जानते हो ये बीमारी कॉमेडी वीडियो के साथ भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। जैसे कि चिमकांटी नाम से ये यूट्यूबर, जिनके चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा है, इनकी वीडियो के साथ साथ एग्जैक्ट डायलॉग को भी कॉपी किया जा रहा था, जिसे इन्होंने अपने स्टोरी में भी शेयर किया था। नंबर 1, इरेजर्स हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में इरेजर से रिलेटेड अभी सवालों का पहाड़ है। जैसे कि ये ब्लू और रेड इरेजर आखिर किस काम में आते हैं, और क्या ये पेन की इंक को मिटा सकती है। इरेजर का इन्वेंशन 1770 में हुआ था, जिसे एडवर्ड नेमिन नाम के एक शख्स ने कंपटीशन में बनाया था, जिसके बाद ये इरेजर काफी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने ये ब्लू एंड इंक इरेजर देखी होगी, जिसके पहले कलर वाला पार्ट तो लाइट ग्रेफाइट पेंसिल को मिटाने के काम आता है प्लेन पेपर से, वही इसका ब्लू पार्ट स्ट्रॉन्ग पेंसिल को थोड़े खुरदुरे पेपर पर इरेज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आर्टिस्ट के स्केच पैड्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ब्लू पार्ट इंक मिटाने के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो लोग कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ऐसे भी इरेजर हैं जिनके ब्लू पार्ट को इंक इरेज करने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर ब्लू दिखने वाली इरेजर इंक मिटाने वाली हो। जो इरेजर स्पेशली इंक इरेज करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कंपनी एक छोटा पेन का भी लोगो बनाकर देती है, जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। और क्या कभी आपने सोचा है कि कभी जब हम पेपर से पेंसिल इरेज करते हैं तो वहां से पेपर ब्लैक क्यों जाता है? असल में जब आप लो क्वालिटी इरेजर यूज करते हो तो ग्रेफाइट पेपर फाइबर के अंदर ही रह जाता है, और आपके इरेजर बस उसे फैला देती है। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको ये पता था कि मैगी स्क्वायर और हिप्पी नूडल्स राउंड क्यों होते हैं, और कैसे जंगलों में बैठा ये जानवर आपके फोन के लॉक को आराम से खोल सकता है, और कैसे आप अपनी बॉडी में डेटॉल की बोतल लेके चल रहे हो और आपको पता भी नहीं? भाई ये वीडियो ना पूरा देखना, बहुत मजेदार है। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।